वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रीव्यू में जो इफेक्ट देखा वो इफेक्ट करने वाले हैं अलाइट मोशन, काइन मास्टर और पी एस सी सी या फिर आप इरेजर यूज़ कर सकते हो। और बैकग्राउंड साउंड को ज़रा इग्नोर कर दो, उसका कुछ कर नहीं सकते, मतलब मेरे पास माइक नहीं है तो सॉरी। कुछ इस तरह का मैंने जैसे क्लिप अरेंज किया है वैसे आपको अरेंज कर देना है। पहला एक क्लिप है वो अल्ट्रा स्लोमो है, दूसरा स्क्रीनशॉट, फिर आगे का पूरा क्लिप। और हाँ, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होंगी तो रियली सॉरी। ठीक है, सो ऐसा करके आपको एक्सपोर्ट कर देना है। आ जाना है अलाइट मोशन में, और अलाइट मोशन में जैसे काइन मास्टर में क्लिप अरेंज किए थे वैसे ही हमें यहाँ पर उसी क्लिप को इंपोर्ट कर कट करना है, मतलब ट्रिम करना है। जैसे कि जहाँ से मेरा स्क्रीनशॉट है और क्लिप है, स्टार्टिंग का क्लिप और स्क्रीनशॉट के बीच में एक कट करना है, ट्रिम करना है। और जहाँ से एडियस ऑन हो रहा है वहाँ पर, वहाँ उसके बीच में एक कट, सो बीच में हमारा स्क्रीनशॉट रहेगा, पहले क्लिप फिर स्क्रीनशॉट और फिर आगे का पूरा क्लिप। सो इस तरह का आपको करना है। इसके बाद आपको जाना है इरेजर एप्लीकेशन में। इरेजर के मतलब इरेजर के जगह पर आप PSCC भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इरेजर ज़्यादा ईजी है। तो ये आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। और इसे मैं जैसे इरेज कर रहा हूँ, पूरा इरेज करना है बैकग्राउंड, सिर्फ कैरेक्टर रखना है और उसे अलाइट मोशन में ले लेना है एक लेयर उसका, और एग्जैक्टली जहाँ पर स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर प्लेस कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। डुप्लीकेट करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, वो है कलर एंड लाइट में जाकर स्पेक्ट्रल मैप यूज़ करना है। उसे ऐड करने के बाद आपको मैं बताता हूँ उसे की फ्रेम देना है फर्स्ट की, क्योंकि की फ्रेम नहीं दोगे तो जो पिक्चर है वो फोटो है वो स्टिल रहेगा, हिलेगा नहीं। सो पहला की फ्रेम नॉर्मल, दूसरे की फ्रेम पे अराउंड 2500 रखना है फर्स्ट ऑप्शन का, और फिर उसे लास्ट में प्लेस कर देना है। सो अभी हमें की फ्रेम सेट करना है। फर्स्ट की फ्रेम में आपको कैरेक्टर को थोड़ा सा स्लाइड करना है, जो हमने इफेक्ट दिया वो वाले लेयर पर आकर सो उसे स्लाइड करना है आपके हिसाब से। फिर सेकंड की फ्रेम देना है, उसे मिडिल में प्लेस कर देना है, मतलब मिडिल में लाना है, कैरेक्टर के पीछे हाइड कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। सो इस तरह का कुछ, और उसे विजिबल करके पीछे हाइड कर देता हूँ मैं, मतलब हाइड कर देता हूँ परफेक्टली। सो हाँ, ये परफेक्ट रहेगा, उसे लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। और ये मिडिल का जो की फ्रेम है उसे मैं परफेक्ट प्लेस करता हूँ मिडिल में, और इसे मैं थोड़ा सेट करता हूँ, हाँ ये परफेक्ट रहेगा। सो अभी हमें और के की फ्रेम ऐड करके उसे वापस से मिडिल में प्लेस कर देना है एग्जैक्टली, हाँ कुछ इस तरह का, हाँ। सो हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट रेडी हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब हमें इसे स्मूथ करने के लिए ऐड करना है ग्राफ। सो अभी हम जाते हैं ग्राफ में, कुछ इस तरह का ग्राफ सेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे का स्टेप्स इजी है, आप देख के कर सकते हो।
और मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? पूरा देख लेना वीडियो, आ जाएगा आपको, इजी है।